हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एडियाबेटिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन साइक्लिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट भी आपको मालूम है, स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली यदि हम मोलर स्पेसिफिक हीट की जब बात करते हैं तो व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट? मोलर स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थोड़ा मोलर स्पेसिफिक हीट आप लिख लीजिए, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट? मोलर स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। देखो बच्चों, अभी आज जो हमको पढ़ना है, ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे हैं, ये मोलर स्पेसिफिक हीट दो तरह का होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसको हम बोलते हैं CP। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को हम CP बोलते हैं। तो इसको यदि डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको हम बोलते हैं बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, CP हम बोलते हैं। सिमिलरली हमको CV क्या होता है ये जानना होगा। CV का मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सेम वही आप लिखेंगे, इसको हम CV बोलते हैं। वो कॉन्स्टेंट ये पूरा चीज़ लिख लेंगे, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के जगह पर आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लिख लेंगे। कॉन्स्टेंट प्रेशर जो हम लिखे हुए थे उसके जगह पर हम क्या लिख लेंगे बच्चों? एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बाकी सेम वही रखिएगा जो पहले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो स्पेसिफिक हीट हो गए, एक को हम बोलते हैं CP और एक को बोलते हैं हम CV। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पहले तो CP और CV दोनों में अधिक कौन होता है ये आप जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है। CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन
सी भी, ऐसा क्या है, ऐसा इसका क्यों क्यों ऐसा होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको जानना है। सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन सी भी, ऐसा हम क्यों बोलते हैं। देखो बच्चों, जो एट कांस्टेंट प्रेशर हो चाहे एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, दोनों के केस में, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ये प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, और एन मोल ऑफ गैस इसमें हम रखे हुए हैं, कितना है एन मोल ऑफ गैस, और यहाँ पर जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सब्सटेंस को, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर सप्लाई कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट प्रेशर पर हम सप्लाई कर रहे होंगे, इसका मतलब ये जो पिस्टन है कंटेनर को ढके हुए है, जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे ये गैस एक्सपेंड होगी, और यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये गैस फैलने के लिए, जैसे वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, तो ये वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी फैलने के लिए फ्री है, ये जो पिस्टन है फैलने के लिए क्या है, फ्री है। ओके, तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो हीट का कुछ पार्ट इसको गर्म करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, और कुछ पार्ट इसका इस गैस को एक्सपेंड करने में खर्च होगा, जबकि एट कांस्टेंट प्रेशर ये बात है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दिए, इसका मतलब जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं यहाँ, यहाँ डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए थे, यहाँ पर तो डी क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हम कर रहे हैं, तो ये हीट जो है केवल इसका इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, यहाँ पर गैस एक्सपेंड होने के लिए फ्री नहीं है, तो जो ये यहाँ पर जो हम हीट दे रहे हैं केवल इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, जबकि यहाँ पर जो हम हीट दे रहे हैं इसका टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है, एन वन मान लीजिए वन मोल गैस है, यहाँ पर जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं इसका टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है और एक्सटर्नल वर्क भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो हीट हम दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एक्सटर्नल वर्क भी इसको करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हीट दिया जा रहा है केवल इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, इसलिए इस प्रोसेस में एट कांस्टेंट प्रेशर में हमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो आप लिख लीजिए एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दोनों डायग्राम बना लीजिएगा, और ये दोनों डायग्राम बनाने के बाद आप लिखिए एट कांस्टेंट प्रेशर The heat supplied to the system at constant pressure is used to raise The heat supplied to the system at constant pressure is used to raise the temperature of the system. Temperature of the system as well as to do external work. एक्सटर्नल वर्क कितना होता है बच्चों, ये एक्सटर्नल वर्क W इज इक्वल टू पी डेल्टा भी, ये हम डेराइव किए हुए थे कल के क्लास में, ये द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज यूज टू रेज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हुआ इंटरनल एनर्जी बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हुआ इंटरनल एनर्जी बढ़ाना of the system as well as to do external work. While, ये आप लिखेंगे about CP के लिए, while the heat supplied at constant volume is used to raise its
इंटरनल एनर्जी ओनली, टू रेज इट्स इंटरनल एनर्जी ओनली, ठीक है ना। द हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज यूज टू रेज इट्स इंटरनल एनर्जी ओनली, हेंस हेंस सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये बात हो गया, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ओके, आप इसको मिटा लीजिए। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट, द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट सीपी माइनस सीवी कितना होगा? आप लिखिए द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट, द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट्स, टू स्पेसिफिक हीट दैट इज सीपी माइनस सीवी की हम बात कर रहे हैं, सीपी माइनस सीवी की हम बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए सीपी ज्यादा है सीवी से, तो कितना सीपी अधिक है? ये अमाउंट जो है हीट का, ये अधिक है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, इतना अधिक है। तो ये देखो ये कितना हुआ, इस चीज को आप निकालेंगे तो ये एक्सटर्नल वर्क डन है, और ये एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा, पी इंटू डेल्टा भी, दिस इज एक्सटर्नल वर्क डन, और पी इंटू डेल्टा भी को आप लिख सकते हैं एन आर, और टेम्परेचर कितना बढ़ा है, डेल्टा टी। तो हेंस सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू, एन के जगह पर आप वन लिखेंगे क्योंकि स्पेसिफिक हीट की जब हम बात करेंगे तो ये वन मोल आप गैस है, इंटू आर लिखेंगे, और कितना टेम्परेचर बढ़ाना होता है बच्चों स्पेसिफिक हीट में, वन डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ वन लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे सिंस एन इज इक्वल टू वन, टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, वन डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हेंस सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर, दोनों का डिफरेंस सी पी माइनस सी भी आर हो गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। नाउ ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड द टू स्पेसिफिक हीट, इसको मेयर्स फार्मूला भी बोलते हैं, डेराइव सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके हम सीपी और सीवी में डिफरेंस हम निकालेंगे। देखो बच्चों सीपी क्या होता है, मान लीजिए कि कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हम एन मोल ऑफ गैस रखे हुए हैं, तो और इस एन मोल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर कितना बढ़ा रहे हैं, डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं, तो कितना हीट चाहिए? आप लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन मोल ऑफ गैस थ्रू डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर बढ़ाना है भाई, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन मोल ऑफ गैस थ्रू डेल्टा टी, कितना हीट चाहिए हमको, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर एन मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाने के लिए हमको कितना हीट चाहिए, दैट इज वन। सिमिलरली मान लीजिए कंटेनर है दूसरा, और जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यहाँ डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए,
यहाँ पर जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो डी क्यू डैश है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो इसी बात को ज़रा लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो हमको हीट कितना सप्लाई करना होगा, इसको हम लिखेंगे डी क्यू डैश। ऊपर से मिटा दे रहे हैं बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, यहाँ पे ये यदि आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये भी आप लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन मोल ऑफ गैस थ्रू डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आप लिख सकते हैं यदि नीचे नहीं दिख रहा होगा तब। और कितना होगा बच्चों ये हीट हुआ, ये जो हीट हुआ कितना हुआ, इसको हम डी क्यू डैश हम बोल रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे कितना हीट हुआ, ये डी क्यू डैश इज इक्वल टू एन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर है, कितना टेम्परेचर बढ़ाया है हमने, डेल्टा टी बढ़ाया है, और जो ये हीट है ना ये केवल इसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगा, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है। तो ये हमको डी यू आ गया और यहाँ पर डी क्यू। नाउ बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी। अब डी क्यू की वैल्यू आप लिखिए और डी क्यू डैश की भी वैल्यू लिखिए, डी क्यू के जगह पर एन सी पी डेल्टा टी और डी यू के जगह पर अभी आप लिखे हैं एन सी भी डेल्टा टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, डी क्यू डी यू प्लस पी डी भी ये इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए, ये पूरा लिख लीजिए एन सी पी और एन सी भी हमको जानना है। ओके बच्चों, इसको हम मिटा दे रहे हैं पूरे चीज को। तो अब देखो बट वी हैव पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आप आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं। आप देखो यदि टेम्परेचर हम डेल्टा टी बढ़ा दें, इफ टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी, यदि टेम्परेचर को हम कहाँ से कितना से कितना बढ़ा दिए भाई, टी से हम डेल्टा टी कर दिए, देन वॉल्यूम इज रेज्ड फ्रॉम वी टू वी प्लस डेल्टा वी, यदि टेम्परेचर टी से डेल्टा टी कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, वी से डेल्टा वी हो गया, हेंस पी वी से वी प्लस डी वी, एन आर टी से टी प्लस डेल्टा टी, दिस इज इक्वेशन, ये थर्ड था, इसको फोर्थ आप लिख लीजिए, इसको फिफ्थ लिख लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इसको, अब ये थर्ड में हम पुटअप करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो पी वी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपको मिल गया पी डी वी इक्वल टू एन आर टी भी कैंसिल आउट हो गया, एन आर डी टी, ये हो गया इक्वेशन, ये इक्वेशन सिक्स हो गया। हेंस अभी जो इक्वेशन थर्ड आया था उसमें पुट अप करेंगे, हेंस पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड,
hence putting these values in third में हम put up करेंगे. third में क्या था बच्चों, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी प्लस पी डी भी. पी डी भी के जगह पर हम लिखेंगे एन आर डी टी. अब डी टी डी टी कैंसिल आउट हो गया, एन एन कैंसिल आउट हो गया, तो सी पी इज इक्वल टू सी भी प्लस आर. तो नाउ दिस सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर, यहाँ से हमारा हो गया. हेंस सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज मेयर्स फार्मूला, इसको हम मेयर्स फार्मूला भी बोलते हैं. ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए. तो हम दो स्पेसिफिक हीट हमने आपको पढ़ा दिया, दोनों स्पेसिफिक हीट के बीच का डिफरेंस हमने बताया मेयर्स फार्मूला, और एक आसान तरीका भी बताया था मैंने. अब देखो, अब देखिए, हम आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम. ओह पानी से धो दो. दोनों स्पेसिफिक कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं. ओके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप लिखिए. देखो बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करना है हमको. लिखिए पहला क्वेश्चन, द पीवी डायग्राम फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस. पहला क्वेश्चन है द पीवी डायग्राम ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस इज ए ट्रेंगल ड्रॉन एज सोन. इज ए ट्रायंगल ड्रॉन एज सोन. एक जो पी वी डायग्राम है, एक ट्रायंगल है जैसा दिखाया गया है. आगे हम ड्रॉ करके बता रहे हैं. द कोऑर्डिनेट्स ए बी सी आर. ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट है 4, 1. बी का कोऑर्डिनेट 2, 4. सी एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 1. द कोऑर्डिनेट आर इन पी वी ऑर्डर. ये मतलब पी वी ऑर्डर का मतलब ये पी बता रहा है और ये वी बता रहा है. हम आपको ड्रॉ कर दे रहे हैं. ये देखो, ये पी वी डायग्राम है. इधर पी है, इधर वी है. ये प्रेशर न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर में है. ये प्रेशर किस में है बच्चों? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. और ये वॉल्यूम है वो लीटर में है. ये लीटर में है, ये वॉल्यूम लीटर में है. ये ट्रेंगल बन रहा है आपका, ये ट्रेंगल बन गया. ट्रेंगल ए बी सी. ये ट्रेंगल ABC. ए की वैल्यू 2 है, ये 4 है. यहाँ पर ये वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है और ये वैल्यू 4 दिया हुआ है. ओके, अब आपको इस क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी वर्क डन निकालना है, बी टू सी वर्क डन निकालना है, और सी टू ए वर्क डन निकालना है. और इस ढंग से टोटल साइक्लिक प्रोसेस में आपको वर्क डन निकालना है. तो व्हाट विल बी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी? देखो बच्चों, ये ध्यान में रखना चाहिए. सोल्यूशन हम आते हैं, सोल्यूशन वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. तो ये जो पी वी डायग्राम की एरिया जो होती है, ए टू बी आपको निकालना है. ए बी सी ऐसे है, साइक्लिक प्रोसेस हो गया ये. ए से बी में वर्क डन क्या है? ये पी वी डायग्राम की जो एरिया होती है वही हमको बताती है क्या चीज़ वर्क डन. तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ, ये ट्रेपोजियम बन गया आपको यहाँ पर. हम ए बी सी, हम डी और ई कर दें तो ट्रेपोजियम बन गया. तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज ए डी प्लस, ये ई हो गया, ए डी प्लस बी ई
ए डी प्लस बी इंटू बी सी, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू हाफ हाफ सम ए डी कितना है, ए डी फोर है प्लस बी कितना है टू है इंटू बी सी कितना है, बी टी सी है फोर माइनस वन थ्री है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं इसको। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर इंटू टी टू दैट इज थ्री हो गया इंटू थ्री। देखो बच्चों ये लीटर में है तो इसको मीटर क्यूब में करना होगा यानी टेन टू द पावर माइनस थ्री करना पड़ेगा, तो ये सिक्स बाई टू इंटू थ्री इंटू टेन पावर माइनस थ्री नाइन हो गया बाई टू दैट इज फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री जूल हो गया। ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी यही आएगा। नाउ सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी कितना वर्क डन होगा बच्चों, ये एरिया, एरिया कितना हो गया आपका बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, बी सी कितना है बी से सी तक फोर माइनस वन ये थ्री हो गया इंटू टेन पावर माइनस सी, और सी डी कितना हो गया सी डी टू हो गया तो दैट इज सिक्स इंटू टेन पावर माइनस थ्री जूल ये हो गया। नाउ वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए सी टू ए वर्क डन कितना हो गया, क्योंकि वॉल्यूम में यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो हो गया। तो अब साइक्लिक प्रोसेस में यदि आपको वर्क डन निकल, लेकिन ये जानिए ये बी टू सी वर्क डन है ना, तो ये फाइनल वॉल्यूम घट गया इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, बी से सी हम जब आ रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम घट गया इसलिए माइनस होगा। तो यदि टोटल वर्क डन आपको निकालना होगा तो टोटल वर्क निकालना होगा तो सभी वर्क डन को आप जोड़ देंगे, देन यू विल गेट द आंसर। टोटल वर्क डन को आप जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिलेगा बी टू सी। और वैसे टोटल साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना होगा तो केवल इस ट्रायंगल की एरिया आप निकाल दीजिएगा, तो ट्रायंगल की एरिया आप निकाल देंगे तो नाउ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ये भी एक तरीका है जान लीजिए, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी में वर्क डन हाफ ट्रायंगल की एरिया बी सी इंटू सी ए इज इक्वल टू हाफ बी सी कितना है, बी सी है आपका, बी सी है आपका फोर इंटू थ्री हो गया ये इंटू टेन पावर माइनस थ्री, और सी ए कितना है फोर माइनस टू तो ये सिक्स हो गया, टू कैंसिल आउट हो गया, थ्री इंटू टेन पावर माइनस थ्री जूल हो गया। दिस इज द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ये वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। ए टू बी तक वर्क डन कितना आया था, वर्क डन ए टू बी डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू हाफ हाफ ए डी प्लस बी बी ई इंटू बी सी इज इक्वल टू हाफ ए डी कितना है बच्चों, ए डी फोर है प्लस बी टू है इंटू बी सी कितना है, बी सी फोर माइनस वन ये दैट इज ये थ्री है तो ये सिक्स हो गया, सॉरी ये सिक्स इंटू टेन पावर माइनस थ्री हो जाएगा तो ये सिक्स बाई टू दैट इज थ्री इंटू थ्री ये नाइन हुआ था, नाइन इंटू टेन पावर माइनस थ्री जूल हुआ, दो से और डिवाइड कर दिए थे उसको करेक्ट कर लीजिए, ए से बी तक वर्क डन इतना होगा। यदि सभी वर्क डन को आप जोड़ देंगे ना तो यही आएगा, ये थ्री इंटू टेन पावर माइनस थ्री आया था, यदि टोटल वर्क डन को आप ऐड कर दे रहे हैं आल्सो, ये भी एक तरीका आप समझ लीजिए, टोटल वर्क डन दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, ए टू बी कितना आ गया था नाइन इंटू टेन पावर माइनस थ्री, बी से सी कितना आया था माइनस सिक्स इंटू टेन पावर माइनस थ्री, और सी टू ए कितना आ गया था जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री इंटू टेन पावर माइनस थ्री जूल, ये पहले वाला ही आएगा जो इसके पहले जो हम बनाए हुए हैं,
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन है हमारे हाथ में है क्वेश्चन, ए टायर पंप्ड टू ए प्रेशर। दूसरा क्वेश्चन है ए टायर पंप्ड टू ए प्रेशर, ए टायर पंप टू ए प्रेशर ऑफ 6 atm, अब 6 atmospheric प्रेशर तक इसको हम पंप किए हुए हैं। सडनली बर्स्ट एकाएक फट जाता है। रूम टेम्परेचर इज 25 degrees centigrade। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ इस्केपिंग गैस y इज इक्वल टू 1.4। अब सुनिए, देखो बच्चों, यहाँ पर पहले सोल्यूशन में आ जाइए, क्या क्या दिया हुआ है हमको। शुरू में कितना टेम्परेचर था, 6 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर जब बर्स्ट कर गया तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया P2, मतलब 1 atmospheric प्रेशर। टेम्परेचर पहले कितना था, 25 degrees centigrade पर था, 25 degrees centigrade, दैट इज 273 प्लस 25 कर दीजिए तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, 290 degree kelvin। और इसके मतलब बर्स्ट होने के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये आपको निकालना है। और ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, क्योंकि ये प्रोसेस सडन हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा की वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो आपको जब हम कल बताए थे एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कुछ इक्वेशन हमने बताया था। उस इक्वेशन में एक इक्वेशन था P1 गामा माइनस 1 अपॉन T1 गामा, P2 गामा माइनस वन अपॉन T2 गामा, ये था। तो अब ये P1, P2, T1, T2 की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज P1 कितना है बच्चों, पहले तो थोड़ा इसको आइडियल फॉर्म में लिख लीजिए। T2 हमको पूछ रहा है, T2 गामा इजकल टू T1 इधर चला गया, T1 गामा ब्रैकेट में P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1। तो इसका मतलब T2 गामा इज इक्वल टू T1 गामा, और यहाँ P2 कितना है, P2 आपका 1 atmospheric प्रेशर है, अब P1 6 है, तो ये 1/6 हो गया। गामा माइनस 1, दैट इज गामा की वैल्यू 1.4 है, 1.4 माइनस 1, यहाँ भी ये 1.4 आप लिख लीजिए, ये 1.4 लिख लीजिए। यहाँ पर T2 की वैल्यू हमको निकालना है, T1 की वैल्यू भी है 298, ये भी लिख लीजिए आप, 298 ये हो गया, 298 हो गया। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमको लॉग का यूज करना होगा। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स दोनों आप और आप लॉग ले लीजिए, दैट इज लॉग T2 का पावर 1.4 इज इक्वल टू लॉग 298 1.4 1/6 1.4 माइनस 1 दैट इज 0.4 ये हो गया। अब देखो बच्चों, ये इसको हम बोलेंगे m और इसको बोलेंगे n। तो log m टू द पावर n कितना होता है, 1.4 log T2 log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर ये log m है और log n है, तो इज इक्वल टू log m प्लस n log 298 1.4 प्लस log
1/6 0.4 ये हो गया, क्योंकि इसमें रीजन आप लिख लीजिए log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m और log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये आपको मालूम भी होगा। देखो बच्चों और हम आगे बढ़ते हैं, और हम इसको आगे बढ़ते हैं तो log 1.4 log T2 इज इक्वल टू log m टू द पावर n, तो ये 1.4 यहाँ आ गया, 1.4 log 298 प्लस 0.4 log 1/6। अब देखो log m by n को हम लिख सकते हैं, ये 1.4 log T2 इज इक्वल टू 1.4 log 298। ये देखो ये 6 को ऊपर करेंगे तो हमको माइनस लिखना होगा, 0.4 log 6 या log m by n होता है, log m by n होता है log m माइनस log n, तो log m की वैल्यू log 1 की वैल्यू 0 होगी, इसलिए भी ऐसा लिख सकते हैं। ओके अब देखिए, अब आपके बुक में आप नेचुरल लॉगरिथम देखिए, निकालिए नेचुरल लॉगरिथम, आपके पास बुक होगा नेचुरल लॉगरिथम, वहाँ पर निकालिए। नाउ हियर 1.4 log T2 रहने दीजिए, 1.4 भी है यहाँ पर, 200 log 298 की वैल्यू कितनी होगी? देखो बच्चों यहाँ पर 3 डिजिट है ना, तो जब 3 डिजिट होता है तो 2 पॉइंट हम लिखते हैं, और नेचुरल लॉग के 29 के 8 कॉलम में हम देखते हैं, 29 लिखा होगा और वहाँ पर 29 के बाद 8 कॉलम में आप चले जाइए, तो 29 के जब 8 कॉलम में जाएंगे तो वो वैल्यू है 4742, ये वैल्यू हो गया 4742 माइनस 0.4 log 6 की वैल्यू देखिए, तो चूंकि यहाँ पर तो केवल एक डिजिट है तो उससे एक कम, दैट इज 0. log 60 की वैल्यू आप देखेंगे, तो log 60 की वैल्यू देखेंगे तो 60 में कितना होगा वैल्यू, ये 60 की वैल्यू होगी 0.77782। अब इसको सॉल्व करिए, 1.4 log T2 इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आता है 3.46388 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आता है 0.31128। ओके ये इस ढंग से रहा। अब देखो बच्चों, नाउ log T2 इज इक्वल टू log T2 आपको जानना है ना, थोड़ा log भी आप सीख लेंगे इसलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। नाउ log T2 इज इक्वल टू ये 1.4 log T2, ये दोनों को आप सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.1526। तो log ऑफ T2 ये बेस 10 पर, ये जितनी भी वैल्यू आ रही है ना ये बेस 10 पर है, log 2 3.1526 डिवाइडेड बाई 1.4, 1.4 ये सॉल्व कर देंगे तो 2.2519 ये वैल्यू हो गया। अब ये log T2 की वैल्यू इतनी हो गई तो हमको T2 की वैल्यू निकालना है, तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए हम एंटी log लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 2.2519। ओके चलिए अब एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एंटी लॉग निकालने के लिए अब देखो ये 2 दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है तो आप एक बढ़ा के, दैट इज 10 to the power, वहाँ एक घटाए थे, यहाँ पर एंटी लॉग में एक बढ़ा देंगे। अब 0.25 देखिए इसकी वैल्यू क्या है पहले कॉलम में, और 9 डिफरेंस भी देखना होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसका 0.17882 है, और 4 जब उसमें डिफरेंस में देखेंगे तो 4 डिफरेंस आ गया है, तो हम इसको 6 लिख रहे हैं, 0.1786 9 डिफरेंस, कॉमन मीन डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो मीन डिफरेंस में देखिए वैल्यू कितना है, इसको सब ऐड कर देंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब 10 to the power 3 है यहाँ पर, तो
तो ये 178.6 केल्विन हो गया, यानी जो गैस एस्केप कर रही थी उसका टेम्परेचर ये हो गया। ओके, तो 40 मिनट का वीडियो हो गया, देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और करा देते हैं आपको, थोड़ा लॉग का आप यूज कैसे करते हैं ये बताने के लिए। आप लिखिए 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस थर्ड, 1 मोल ऑफ एन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी, एट एनटीपी का मतलब नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज सब्जेक्टेड टू एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहा है। 1 मोल है गैस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, वॉल्यूम डबल हो गया, दो गुना हो गया, नहीं सॉरी, टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 टाइम्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गया। फाइंड द वर्क डन, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवेन गामा इजिकल टू 1.4, और आर की वैल्यू 8.31, ये होती ही है, ये आपको मालूम होगा। अब देखो बच्चों, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो यहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहा है नेचुरल टेम्परेचर और, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी इज सब्जेक्टेड टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम, वॉल्यूम 4 गुना हो गया, तो जब वॉल्यूम 4 गुना हो गया तो जाहिर सी बात है कि कूलिंग होगी, जब गैस एक्सपेंड करता है तो कूलिंग होता है, कूलिंग होने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर यहाँ चेंज कर रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर चेंज कर रहा है, तो जब टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो हम जो फार्मूला बताए हुए हैं कल, मतलब कब पिछले लेक्चर्स में, उसमें हमने आपको बताया T1V1 γ-1 इज इक्वल टू T2V2 γ-1, ये हमने आपको ये फार्मूला हमने बता दिया था। यहाँ पर T1 क्या है, शुरू में नेचुरल टेम्परेचर दैट इज 273 डिग्री, T1 इज इक्वल टू 273, V1 तो मान लीजिए V, T2 कितना हो गया, T2 पूछ रहा है, और V2 कितना हो गया, 4 गुना हो गया, तब ये सब वैल्यू पुट अप कर दीजिए बच्चों, हेंस T1 इज इक्वल टू 273, T1 V1 अपान V2 γ-1 इज इक्वल टू T2, ये हो गया, ऐसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो दिस इम्प्लाइज T1 इज इक्वल टू 273, V1 कितना है बच्चों, V1 है V, और V2 कितना है, V2 क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है 4 टाइम्स हो गया, ओके, γ-1, गामा की वैल्यू 1.4 है, 1.4 - 1, दिस इज T2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम लॉग का यूज करेंगे, T2 इज इक्वल टू, यहां पर T2 क्या है, T2 इज इक्वल टू 273 1/4 0.4, लॉग लो, लॉग ऑफ T2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 273 1/4 0.4, ये हो गया, तो लॉग इसको m और n हम कहेंगे,
एम और एन। तो देखो बच्चों, लॉग ऑफ टी टू इजिकल टू लॉग एम इंटू एन इजिकल टू लॉग एम दैट इज लॉग 273 प्लस लॉग एन दैट इज लॉग ऑफ 1/4 का पावर 0.4। तो यहाँ पर लॉग ऑफ टी टू इजिकल टू, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा, इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये 3 हो गया ना, तो 2.27 का थर्ड कॉलम में देखिए आप वैल्यू कितनी होती है, तो ये देखो 4362 ये होगा प्लस, ये देखो 1/1 है तो माइनस आप लिखेंगे 0.4 चूँकि नीचे है, ये 4 है, 4 की वैल्यू क्या लिखेंगे चूँकि 1 डिजिट है तो ये, फिर 40 में वैल्यू आप देखेंगे तो 40 में वैल्यू हो जाएगी इसकी, 4362 था ना, 40 में वैल्यू है 6021, ओके। नाउ नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए, आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके एंटी लॉग लीजिए, तो लॉग ऑफ टी टू इज इक्वल टू 2.4362 माइनस 0.24084, तो लॉग ऑफ टी टू इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद कितना वैल्यू आ जाएगा, 2.19536। अब टी टू लेने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे बच्चों, टी टू इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ टी टू इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कितना, 2.19536। टी टू इज इक्वल टू एंटी लॉग कितना होगा, 0.19 हम देखेंगे, तो 19 में कितना ये आ जाएगा, देखिए 19 की वैल्यू लिखिए 5 कॉलम में और 3 मीन डिफरेंस आप देखिएगा, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 1.56.19, पाँचवा कॉलम में थर्ड मीन डिफरेंस आप देखते हैं तो ये वैल्यू आता है 1.567 मीन डिफरेंस जोड़ने के बाद, मीन डिफरेंस 1 है, एक और जोड़ दीजिएगा तो 8 हो जाएगा ये, तो 1.568 ये पॉइंट में लिखना होगा, और 2 है तो यहाँ 10^3 करना होगा, तो ये हो गया 1.56.8, ये रहा, ये T2 की वैल्यू हो गई। अब देखो बच्चों, T1 और T2 की जो वैल्यू हो गया तो हम आप निकाल सकते हैं क्या, हम निकाल सकते हैं आप वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस आर T1 माइनस T2, ये आप पढ़े हुए हैं गामा माइनस 1, तो वर्क डन 8, आर की वैल्यू 8.31, टी वन की वैल्यू क्या है बच्चों 273 हो गया, माइनस टी टू की वैल्यू क्या है 1.56.8 हो गया, और गामा माइनस 1.4 माइनस 1 दैट इज 0.4 हो गया, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो 116.3 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 2416.1 जूल, ये वर्क डन हो गया। तो नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितना हो गया बच्चों, ये वर्क डन हो गया। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन, तो डी क्यू एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में तो कोई एक्सचेंज हो नहीं रहा है, अब डी यू, डी यू पूछ रहा है और वर्क डन हमारे पास आ चुका है 2416.1, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको मिल गया यहाँ पर, तो हेंस डी यू इज इक्वल टू माइनस 2416.1 जूल, ये हो गया, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके ठीक है। इस ढंग से हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम आपको बता दिए,
लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। ये तीन न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर बताए हुए हैं और एक न्यूमेरिकल्स पिछले लेक्चर्स में बताए हुए हैं, तो टोटल चार न्यूमेरिकल्स हो गए। और आई थिंक इसमें सब कुछ हमने कवर कर लिया है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप अपने से करिएगा, एनसीईआरटी बुक से या किसी भी बुक में उठा करके उसका एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट डे हम अब स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, थैंक यू।